हाय, आई एम सोनू एट सोनू का ढाबा। हम जब भी सोचते हैं कि गार्लिक ब्रेड खानी है तो हम सीधे सीधे सोचते हैं चलो आज ऑर्डर करते हैं डोमिनोज, पिज्जा हट, एक्सेट्रा। बट अगर मैं ये कहूँ कि बहुत इजी है कि हम इसे घर पे ही अचीव कर सकते हैं और वो भी बहुत कम टाइम में, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बहुत ही बढ़िया होममेड गार्लिक बटर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर गार्लिक बटर रेसिपी। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल अमूल बटर 100 ग्राम्स, कोई भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून बटर, 3/4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक फाइनली ग्रेटेड और सम मिक्स्ड हर्ब्स। यू कैन यूज पास्ता मसाला, पिज्जा मसाला, एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैन ले लेंगे नॉनस्टिक, उसमें हम अपना रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल मैं यहाँ क्यों ले रही हूँ? बिकॉज अगर हम सीधे बटर को पैन में डालेंगे तो बटर जल जाएगा और वो हमें नहीं करना है। आफ्टर दैट बटर, और ये सब हमें बिल्कुल सॉफ्ट फ्लेम पे करना है, मीडियम से भी कम लो पे। एंड पुट योर गार्लिक इन इट। रोज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ध्यान रखेंगे कि हम इसे बर्न ना करें। स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हमें चाहिए बट नॉट बर्न बर्न। इस गार्लिक बटर से आप इसके साथ क्या कर सकते हो? और आप अपनी ब्रेड पे गार्लिक बटर को लगाएं, टोस्ट करें, उसके ऊपर चीज ग्रेट करें एंड आपकी गार्लिक चीज ब्रेड रेडी हो जाएगी। इट्स रियली वेरी सिंपल एंड नाइस रेसिपी। सो हमारा गार्लिक अब रेडी हो गया, आप देख सकते हैं लाइटली गोल्डन ब्राउन, बट बर्न मत करना। एंड नाउ पुट योर सीजनिंग इन इट, मिक्स इट वेल। एंड द फाइनल स्टेप, टेक योर बटर, गार्लिक एंड सीजनिंग इन साइड योर बटर। एंड मिक्स इट वेल। आपका मसाला इतना हॉट होगा कि आपका बटर मेल्ट हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मैरिनेट हो जाएगा। आफ्टर दिस यू कैन ट्रांसफर योर बटर इन अ एयर टाइट कंटेनर और आप उसको 1 महीने तक आराम से फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। एंड ये मेरी गारंटी है, आपको इससे बेस्ट गार्लिक बटर मार्केट में भी मिलेगा। So guys, bye bye, take care and enjoy your garlic butter.